और चलिए अमेरिका में जो स्थिति बनी है, जो कुछ भी हो रहा है, इससे जुड़ी ताजा अपडेट क्या है, नौ बड़ी खबरें क्या है, देख लीजिए फटाफट। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, मैं किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं, 20 जनवरी को लूंगा शपथ। अमेरिकी वेबसाइट ने ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने का दावा कर दिया, उपराष्ट्रपति माइक पेंस का भी कार्यकाल खत्म होने का दावा। छानबीन के बाद वेबसाइट में छेड़खानी का खुलासा हुआ, वेबसाइट में काम करने वाले इंटर्न ने छेड़खानी की थी, ट्रंप से नाराज था। ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी संसद में पेश किए गए महाभियोग प्रस्ताव को डेमोक्रेट पार्टी के 218 सांसदों ने सहमति दी। उपराष्ट्रपति माइक पेंस ट्रंप को राष्ट्रपति पद से नहीं चाहते हटाना, डेमोक्रेट के प्रस्ताव पर नहीं दिया कोई बयान। अमेरिका में 6 जनवरी से भी बड़े विद्रोह का खतरा, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के समर्थक फिर से कर सकते हिंसा। बड़े विद्रोह की आशंका के बीच पेंटागन की बड़ी तैयारी, शपथ समारोह के लिए 15,000 नेशनल गार्ड्स को तैनात किया जाएगा। सुरक्षा के चलते वॉशिंगटन में नेशनल पार्क 24 जनवरी तक बंद, दूसरे बड़े स्मारकों पर भी अगले आदेश तक रोक लगाई गई। वॉशिंगटन के मेयर ने लोगों से अपील की, सड़कों पर ना बढ़ाएं भीड़, घर में रहकर ही देखें शपथ ग्रहण समारोह। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।